हाँ देखिए, यहाँ पे अब मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बता रहा हूँ, और मिड पॉइंट थ्योरम मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। और ये इस तरह से भी लिख के आ सकती है, इस तरह या तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख के आएगी स्टेट एंड प्रूफ, और या फिर ये जो स्टेटमेंट लिखा है इस तरह से भी लिख के आ सकती है। तो देखिए, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको किस तरह से बनाना है। देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाइए आप पहले, ठीक है ना। एक ट्राइंगल बनाएंगे, और यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। अब देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए, इसका यहाँ पे ये मिड पॉइंट मान लो, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस साइड पे मिड पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। पैरेलल टू अदर साइड, ये इस साइड के पैरेलल होगा बी सी के, यानी कि ये जो इसके पैरेलल होगा ये, ठीक है। ए बी सी, ये डी मान लीजिए इसको, ठीक है। और इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। अब ये कह रहा है जो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। तो ए बी सी डी, इसको ई मान लो, ठीक है ना। तो अब आपको ये मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में जो डायग्राम बना था वही यहाँ बनेगा। तो आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इसी के इक्वल यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। और यहाँ से इस लाइन के डी बी डी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है ना। और ए बी सी डी ई, इसको एफ मान लिया हमने, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम वही फिगर बन गया जो मिड पॉइंट थ्योरम में था। बस अंतर इतना है कि इसमें उसके इसके हिसाब से, कन्वर्स के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह करेंगे, बहुत आपको जो है आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा गिवन। गिवन में आपको क्या गिवन है, देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका डी ए बी का मिड पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एंड एंड डी ई पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल भी है ये भी बोला है इन्होंने, ठीक है। अब टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए ए सी का मिड पॉइंट अगर ई होगा तो इसका मतलब ए ई और ई सी इक्वल आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ई सी, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टू प्रूफ में आ गया। अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो किया है उसके बारे में लिख दें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, देखो, प्रोड्यूस प्रोड्यूस डी, डी को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, एफ तक। डी को प्रोड्यूस किया एफ तक, इस तरह प्रोड्यूस किया हमने, डी इज इक्वल टू, सॉरी, डी प्रोड्यूस डी, ये हम लिखेंगे, बढ़ाया हमने इसको कहाँ तक, एफ तक, ऑन एफ, ठीक है। एंड इसको किस तरह बढ़ाया ये और लिखते हैं, सच दैट डी ई इजकल टू ई एफ, ये भी आपको लिखना चाहिए। हमने इसको इस तरह बढ़ाया है कि डी ई, ये डी ई और ई एफ इक्वल होंगे, ठीक है। एंड अब इसके पैरेलल ये ज्वाइन किया, ज्वाइन सी एफ, सी एफ पैरेलल टू बी डी। इसको हमने ये कंस्ट्रक्ट किया, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि इसके पैरेलल ये लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल आसानी से हमें पता है, ये सब हमने लिख दिया। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, डी बी सी एफ को इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है पहले, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए गिवन हमें क्या है, गिवन है डी ई पैरेलल बी सी। देखिए डी ई पैरेलल बी सी हमें गिवन है, जब ये यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल है तो डी एफ पैरेलल भी होगा बी सी। तो हम लिख सकते हैं देन, तब डी एफ
पैरेलल बीसी, ठीक है ना, क्योंकि हमने आगे लाइन उसी लाइन की सीध में बढ़ाई है, तो बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और एंड देखिए, और ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया इसके पैरेलल, तो लिखेंगे डी बी पैरेलल सी एफ, ये भी है बाई कंस्ट्रक्शन। तो देखिए ये भी पैरेलल प्रूफ हो गया, और ये दोनों और ये दोनों भी, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देन डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ तक तो आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने से क्या हुआ, देखिए ये दोनों इक्वल भी आ जाएंगे, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तब हम लिख सकते हैं देन देखिए डी बी DB इक्वल टू सी एफ लिख सकते हैं। और देखिए DB AD इक्वल टू DB था हमारे पास, तो हम DB की जगह क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू सी एफ लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख दो क्योंकि AD इक्वल टू DB, ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये इक्वल आ गया। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम, इनको कॉन्वेक्स प्रूफ करके ये सी पी सी टी से आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे अब इन ट्राइंगल, अब आसानी से आप समझते चलो, एक ट्राइंगल लेंगे देखिए ए ई डी, ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। तो देखिए इसमें एक तो यही है ए डी इक्वल टू सी एफ From equation first, ठीक है। दूसरा क्या है DE is equal to EF, DE is equal to EF from figure diagram से हम देख रहे हैं, ठीक है। और AD is equal to CF, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ये तो पहले ही लिख दिया है, AD is equal to CF तो लिख गया है, ये लिख गया। अब देखिए और ये लिख गया, तीसरा क्या कर सकते हैं, अब देखिए तीसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते। तो देखिए एंगल, देखिए ए ए ई डी एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी सी ई एफ, सी ई एफ। तो ये तीन, यहाँ पे दो साइड है एक एंगल है, क्या हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। तो ये रूल लगने से क्या है, ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे, ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रेंस प्रूफ होने से सी पी सी टी से आ जाएगा, ए इक्वल टू ई सी, यही तो प्रूफ करना था ना। तो लिखेंगे देन ए इक्वल टू ई सी बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी प्रूव्ड। तो ये कन्वर्स आपके प्रूव हो गई, बताने में थोड़ा मुझे टाइम तो लगा है, लेकिन ये है कि अब आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आया। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसको समझ गए होंगे, और नहीं तो एक आध बार इसको लिख के आप प्रैक्टिस कर लेना, जिनको थोड़ा बहुत वो लग रहा है थोड़ा लिख के देख लेना, तो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ई एफ है, देखो डी इसका टू ई एफ, यहाँ एफ लिख गया था गलती से, ठीक है, बाकी सब ठीक है।